A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to give you some special tips and techniques to solve the questions of prepositions, whether they are common errors, sentence improvements, or fillers. The questions have been taken from Renan Martin's book, English Grammar and Composition, and it is set 69 that I'm going to explain in today's class. So let's get started. Question number 1 to 5 are on the screen. Read once and try to answer. I am waiting. Read. Question number 1 is, he lives dash Hyderabad. He lives dash 48 Tilak Street. बहुत ही सरल रूल है आर्टिकल आई एम सॉरी प्रपोजिशन का कि छोटे स्थानों के नाम के पहले एट और उनके कंपैरिजन में जो बड़े स्थान हैं उनके पहले इन. तो आप 48 तिलक स्ट्रीट या इससे तो स्पष्ट है ना कि यह एक गली का नाम है स्ट्रीट है इसलिए आप यहां एट लगाएं और हैदराबाद उससे बड़ा प्लेस है तो आप इन का यूज करें. क्वेश्चन नंबर 2, ही स्टार्टेड डैश 6 डैश द मॉर्निंग. टाइम को बताने के लिए बहुत सारे प्रेपोजिशन यूज होते हैं. एएम पीएम ओ क्लॉक दिया हुआ हो तो आप एट का प्रयोग करें. डे और डेट दिया हुआ हो तो आप ऑन का प्रयोग करें. डे और डेट दिया हो लेकिन काम जारी होने का बोध हो तो आप सिंस या फॉर का प्रयोग करें. ऐसा समय जो अपने आप में एक अवधि है एक ड्यूरेशन है उसे व्यक्त करने के लिए आप इन का यूज करें. इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग और इन 1948 इन 2023 इस तरह से आप इनका यूज करें. इन 2 आवर्स इन 3 आवर्स इन 4 आवर्स तो समय को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं. स्थिति के अनुसार सेंटेंसेस के अनुसार हम चयन करते हैं. यहाँ 6 है और मॉर्निंग है तो इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग होगा. हाँ अगर काम जारी होता तो हम सिंस मॉर्निंग लिखते सिंस इवनिंग लिखते. बट एक बारीक अंतर है जिसे आप समझ लें. अगर सिंस लगाना होगा तो आर्टिकल द नहीं रहेगा. सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग आर्टिकल द कहता है कि आप इन लगा लें. 6 यहां 6 एएम है इसलिए हम एट का यूज करेंगे. ही हैंग्ड हिमसेल्फ डैश अ पीस ऑफ क्लॉथ. इसके पहले क्लास में भी मैंने बताया था कि काम करने के साधन को व्यक्त करने के लिए प्रेपोजिशन विद होता है और करने वाले को व्यक्त करने के लिए प्रेपोजिशन बाई होता है. तो उसने ए पीस ऑफ क्लॉथ से एक कपड़े के की सहायता से खुद को फांसी पर लटका दिया तो ये सहयोग किया इसलिए हम विद फील करेंगे. द पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड डैश अ फेमस आर्टिस्ट हु फ्लरिश्ड डैश द 16th सेंचुरी. वोकैब भी सीखें. फ्लरिश का सिनोनिम आप सभी कमेंट में लिखें जो अभी लाइव में है. द पोर्ट्रेट तस्वीर को पेंट किया गया फेमस आर्टिस्ट के द्वारा यानी यहां हम बाई फील करेंगे. वो फ्लोरिस्ट जो फ्लोरिश किया था फला फूला था. 16th सेंचुरी एक पीरियड की चर्चा हो रही है यानी 16th शताब्दी की बात 16वीं शताब्दी की बात हो रही है. तो वीक मंथ ईयर सेंचुरी इन सब के लिए आप प्रेपोजिशन इन लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5, आई मस्ट स्टार्ट डैश डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम. स्टेशन पर समय से पहुंच जाने के लिए मुझे अवश्य सुबह के बेला में प्रस्थान कर जाना चाहिए. तो एट डाउन होता है एट नून होता है एट नाइट होता है एट डस्क भी होता है.
ट्विलाइट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपके सामने, एक बार आप पढ़ लें। 6 to 10 एक बार आप पढ़ लें। देखिए, आई होप टू रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचने की उम्मीद करता हूं 1 घंटे में, इन एन आर। कहाँ? तो एट द आउटसाइड, यानी स्टेशन के बाहर 1 घंटे में पहुंचने की मैं उम्मीद करता हूं। द चाइल्ड हैज बिन मिसिंग दैस यस्टरडे। हैज बिन मिसिंग यानी वो काम पहले से, मिसिंग आज से नहीं है, मिसिंग है यस्टरडे से, तो आप यहां सिंस का यूज करें। द कारवां मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन। काफिला अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए, सनसेट के पहले या सनसेट तक। तो दो बातें हो सकती हैं, सनसेट के लिए हम बिफोर का यूज भी करते हैं और एट का यूज भी करते हैं। सनराइज के लिए हम बिफोर का यूज भी करते हैं, एट का यूज भी करते हैं। एग्जामिनेशंस में जब इनसे प्रश्न दिया जाएगा तो ऑप्शन में कोई एक ही होगा, या तो एट नहीं तो बिफोर। हम आफ्टर सनसेट भी यूज करते हैं, आफ्टर सनराइज भी यूज करते हैं, स्थिति के अनुसार। द मेल ट्रेन इज ड्यू, अब यहां पीएम दिया हुआ है, AM PM ओ क्लॉक के लिए आप एट का यूज करें। ट्रेवल 30 किलोमीटर्स, वह 30 किलोमीटर की यात्रा किया 2 घंटे में, 2 घंटे में तो इन 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 को आप फील करें। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 को आप फील करें। थोड़ा सा कट रहा है। ही रश्ड डैश माई रूम पैंटिंग फॉर ब्रेथ। पैंट मीन्स हाँफना होता है, प्रेपोजिशन फॉर लेता है। पैंट फॉर ब्रेथ यानी जोर जोर से सांस लेना, जिसे हम दम मारना कहते हैं, हाँफना कहते हैं। तो रश के साथ हम दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, रश। रश के बाद अगर टू यूज करेंगे तो अर्थ हो जाएगा पहुंचना, रश टू मीन्स पहुंचना, और रश इन टू मीन्स होता है में प्रवेश करना, में प्रवेश करना। अब देख लेना है कि दोनों में कौन सूट कर रहा है। ही रश्ड डैश माई रूम, अब रूम में ही प्रवेश किया जाता है, इसलिए आप इन टू फील करें। हाँफते हुए वह मेरे कमरे में प्रवेश किया। ही डजंट लीव हिज हाउस डैश 9 o'clock। अब यहां वो क्लॉक है, एट हम लगाएंगे, लेकिन एट यहां उतना सूट नहीं करेगा। वह अपना घर 9 बजे नहीं छोड़ता है। ये क्या है? ये तो एक मतलब बहुत अलग तरह का सेंस रख रहा है। बिफोर लिखे हम, आदत को व्यक्त करना है कि भाई 9 बजे के पहले वह अपना घर नहीं छोड़ता है। यहां बिफोर सूट करेगा, निश्चित तौर पर AM PM ओ क्लॉक के पहले आप एट लगाएं, लेकिन अब ऐसे वाक्य आएंगे तो सोच करके आपको भरना होगा। बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, 9 बजे के बाद घर नहीं छोड़ता है, ये भी हो सकता है। द एक्सप्रेस डिपार्ट्स एट 3 PM, डिपार्ट फॉर अ डेस्टिनेशन तो फॉर दिल्ली। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस वर प्रैक्टिस्ड डैश नागाज,
नागाज के द्वारा ह्यूमन सेक्रीफाइस को प्रैक्टिस किया जाता था। आई रिसीव्ड हिज मैसेज डैश 8 o'clock डैश द मॉर्निंग 8 o'clock एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16 to 22 को आप पढ़ें और आंसर दें। 16 to 22 आपके सामने, जल्दी करें। Let me share one thing. Please wait. Yeah. The question is, yes, last month I have seen him but once. Last month, last day, last week, last year. के पहले हमें इन या ऑन लगाने से बचना चाहिए। हम लिखेंगे सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से। सिंस लास्ट मंथ आई हैव सीन हिम बट वंस, पिछले महीने से मेरी मुलाकात उनसे हुई है लेकिन एक बार, यानी पिछले महीने से मेरी उनकी मुलाकात एक ही बार हुई है। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक के पहले इन या ऑन लगाने से आप बचे, नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि ये पेयर एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। जैसे आप नहीं लिख सकते कि आई एम गोइंग टू देयर, सी इज कमिंग टू हियर, आप नहीं लिख सकते। आई एम गोइंग टू अब्रोड, आप नहीं लिख सकते, अब्रोड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वैसे ही नाउ, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनके पहले प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता। लेकिन समय जो पहले से जारी है उसे व्यक्त करने के, मैंने कहा ऑन या इन के यूज करने से, का यूज करने से आप बचें। डैश राइस दे हैड करी, राइस के साथ उन लोगों के पास करी थी। द फीवर हैज टेकन अ टर्न फॉर द बेटर डैश यस्टरडे, हैज टेकन कह रहा है कि आप सिंस भर दें। He has spent his life dash Kolkata, in Kolkata, अपना जीवन उन्होंने कलकत्ता में व्यतीत कर दिया है। I saw him felling a big tree dash hatchet, कुल्हारी, कुल्हारी से एक बड़े से पेड़ को काट कर गिराते हुए मैंने उन्हें देखा। तो विद होगा, साधन है। अच्छा जी, मैंने आपसे फ्लॉरिश का सिनोनिम पूछा था और मैं ही भूल गया बताना। फ्लॉरिश का सिनोनिम प्राइव होगा, प्रॉस्पर होगा। अगला क्वेश्चन है, कम एंड सीट डैश मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। कम एंड सीट बिसाइड मी, यदि ऑप्शन में बिसाइड ना हो तो बगल में के अर्थ में हम बाई का प्रयोग भी करते हैं। कम एंड सीट बाई मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ, दोनों सही है। नोबडी डैश यू नोज द ट्रूथ, तुम्हारे सिवाय कोई और सच्चाई को नहीं जानता है। तो के सिवाय के लिए हम बट का यूज भी करते हैं, हम एक्सेप्ट का यूज भी करते हैं, हम बिसाइड्स का यूज भी करते हैं, और यहां तीनों सही है। 23 to 27 आपके सामने, इसके पहले वाला स्लाइड तो रिपीटेड है। हाँ, रिपीटेड टाइप है ये हो चुका। 23 to 27 को आप पढ़ें और इसका आंसर दें।
वाइल आई वॉज डैश दिल्ली, ही वॉज डैश मुंबई। जल्दी जल्दी आंसर दें। वाइल आई वॉज डैश दिल्ली, दिल्ली मुंबई ये बड़े स्थान के नाम हैं, इसलिए आप यूज करेंगे इनका। ही वॉज किल्ड डैश द रॉबर डैश ए हैचेट, ही वॉज किल्ड बाई द रॉबर विद अ हैचेट। वी शैल स्टे 3 मंथ्स डैश अमेरिका, हम लोग अमेरिका में 3 महीने ठहरेंगे। डैश रुस्तम एंड सोहराब, देयर वर 3 अदर बॉयज प्रेजेंट, रुस्तम और सोहराब के अलावे 3 और लड़के उपस्थित थे। के अलावे के लिए आप बिसाइड्स का यूज करें, इनके अतिरिक्त। 27 डैश एफोर्ड ही हैज फिएट कार, उसके पास फिएट तो है, फोर्ड भी है, फोर्ड है, फिएट भी है, दोनों है, तो बिसाइड्स फोर्ड के अतिरिक्त, यहां कॉमा चाहिए, उसके पास फिएट कार भी है। तो हम लोग कंप्लीट कर लिए स्टेट 69 ऑफ रेनन मार्टिन। फिर आगे जो 69 के बाद प्रेपोजिशंस पर एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उन्हें मैं आगे के क्लासेज में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड अदर्स। थैंक यू सो मच।